fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी कल एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, आपको पता होगा दो दिन पहले शायद, जो आई टू प्ले हैक था, अभी वो बैन होने वाला है। आई टू प्ले हैक तो बैन नहीं होने वाला, जो अपने आई टी से वो बैन होने वाले, तो आज टॉपिक पर बात भी होने वाली है और गेम प्ले भी आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार देखने को मिलने वाला है। जो अपने जो कॉइन है और जो स्टैगर है भाई, आपको पता है भाई ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हार्ड दिख रहा है, मतलब दोनों की जो डिज़ाइन है भाई ऑलमोस्ट सेम है, सेम टू सेम, ठीक है ना, 100% सेम टू सेम। जो अपना फोर स्टैगर है भाई, उसके लिए ये पग बनाई गई है मुझे तो लगता है, क्योंकि जो ये स्नो फ्लेक है ना, ये जो पग है भाई सेम टू सेम इसकी जैसी दिख रही है, आपको पता होगा, और भाई मुझे सेम टू सेम लग रही है। और भाई गेम प्ले आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार देखने को मिलने वाले भाई दोनों के कॉम्बिनेशन में, तो आप लोगों ने प्लीज़ सेंटर बने रहना है। और आप लोगों के लिए बात भी होने वाली है, आई टू प्ले हैक कैसा होने वाला, क्या कैसी आई डी बैन होने वाली, सब बात इस वीडियो में होने वाली, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना है और बहुत ही मज़ा आने वाला। ये शॉट देखो, सबसे पहले आप लोग किस तरह से मारता हूँ, और टॉप राइट में इजीली ये कॉइन भी आसानी से पोर्ट हो जाती है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो सबसे पहले तो अपन ये वाली जो लास्ट वाली कॉइन बची, इसको पोर्ट करते हैं, और इसको बहुत बैलेंस के साथ पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो अपने ओपोनेंट की कॉइन है भी थोड़ा सा रास्ता रोक के रखी थी, फिर भी तुम्हारे भाई ने टॉप राइट में इसको ईजिली पोर्ट कर लिया हूँ बैलेंस के साथ खेल के। और ये वाला गेम प्ले आप लोगों ने मिस नहीं करना है, बहुत ही क्लासिक स्टाइल में फिनिश करता हूँ, उसको ध्यान से देखना इसके वाले गेम प्ले को। तो सबसे पहले तो मैं टॉप राइट में कट मार के कुछ कॉइन निकाल लेता हूँ भाई, और यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो यार ये वाली कॉइन थी, तो सबसे पहले तो उसको पोर्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे कनेक्शन जा रहा था टॉप राइट में, वैसे तो मैं इजीली निकाल सकता था, पर मुझे कनेक्शन मारना था भाई, थोड़ा सा इनडायरेक्ट खेलना था, तो मैं इसको मार लेता हूँ भाई। और ध्यान से देखो, इस वाली कॉइन को मैं टॉप लेफ्ट में मारता हूँ कट, क्योंकि जो चिपकी हुई कॉइन थी भाई उसको रिलीज करने की ट्राई करता था, पर हाँ डबल से जाके चिपक जाती है। पर यहाँ पे एक रिवॉल्व शॉट ले लेता हूँ भाई, और एक साथ दोनों कॉइन को ईजिली पोर्ट कर लेता हूँ। और भाई मजा आया। तो यहाँ पे ये वाली कॉइन को भी देखो किस तरह से पोर्ट करता हूँ, इस तरह से आसानी से इस वाली कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ, और ये वाला गेम प्ले भी इजीली विन कर लेते अपन। तो ये वाले गेम प्ले देखो किस तरह से फिनिश करने वाला हो। तो चलो भाई, सबसे पहले तो आई टू प्ले वाले हैक के बारे में बात कर लेते अपन। तो भाई आई टू प्ले हैक तो कभी बैन नहीं होने वाला गाइस, ठीक है ना। वो जो एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मिनी क्लिप उसको बनाई नहीं, ठीक है ना, वो अलग एप्लीकेशन है, तो भाई वो बैन नहीं कर सकती मिनी क्लिप। जो आप उसके एप्लीकेशन से गेम प्ले करते हो मिनी क्लिप के, जो कैरम बोलो एप्लीकेशन है, आपको बताऊँ आप जो खेलते हो, तो उससे आप लोग गेम प्ले खेलते हो तो वो मिनी क्लिप की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, अगर जो आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करोगे, वो ऐप तो बैन नहीं होने वाला है, तो आपकी जो आई डी है भी वो बैन हो सकती है, तो हो सकती नहीं, होना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे आई डी बैन हो चुकी है गाइस। और भाई बहुत से लोग गेम प्ले भी कर नहीं पा रहे, मुझे पता है बहुत से लोग के आईडी भी बैन हो चुकी होगी। और भाई जो मिनी क्लिप में पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने देखा या ना देखा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो आप लोगों ने देखना चाहिए मिनी क्लिप ने क्या पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, तो जाके आप लोग देख सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो उनको। और वहाँ पर देखो भाई किस तरह से उन्होंने बताया गया है पूरा, किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान से देख के भी रिपोर्ट कर सकते हो मिनी क्लिप को, जो भी बंदे हैक यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने इसकी यूज़र आईडी डालना है और वो बस सेंड कर देना है भाई। और आप लोगों ने इसकी शॉट भी खींच लेना है भाई उस वाली बंदे की आईडी की, क्योंकि भाई आपको यूज़र आईडी ध्यान में रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इस तरह से कुछ रिपोर्ट भेज सकते हो, और भाई आईडी सच में बैन होना स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग समझ लो ये बात को। तो चलो गेम प्ले में थोड़ा फोकस करते हैं, तो ये टॉपिक तो बात ख़त्म करते हैं अपन आई टू प्ले हैक की, तो थोड़ा गेम प्ले में फोकस करते हैं। और भाई आपको अगेन बोल दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना सिर्फ अभी के लिए हैक, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रिक हो चुकी है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखो अपने ओपनिंग की चांस आए वाली है भाई, ब्रेक आए वाली है, तो यहाँ पे देखिए भाई किस तरह से फिनिश करते हो। तो फिलहाल तो एक कॉइन निकली है, पर यहाँ पे मुझे लगता है नहीं जाने वाली है, तो यहाँ पे भाई रिबाउंड शॉट मारने की ट्राई कर रहा है शायद, तो लो भाई रिबाउंड शॉट मारेगा, मेरे ख्याल से नहीं जाने वाला, लो गई जा चुका है भी, मतलब नहीं जाना, क्योंकि बीच में रास्ता पूरा ब्लॉक था, तो फिर भी उसने इजीली रिबाउंड शॉट को पोर्ट कर दिया था। पर लास्ट में यूजुअली कॉइन को फोड़ने की ट्राई करता है, पोर्ट करने की ट्राई करता है टॉप राइट में, वो मिस कर देता है, तो उसी का फ़ायदा उठा के भाई सबसे पहले तो मैं टॉप लेफ्ट में इस वाली कॉइन को मार लेता हूँ भी, और उसकी वजह से कुछ कॉइन भी निकाल लेता हूँ। अब इसकी वजह से जो टॉप राइट में तीन कॉइन मेरे फंसे हुए थे भाई, उसको भी निकाल लेता हूँ इजीली। तो गाइस आप लोगों से एक बात पूछ रही थी मुझे यार, इंस्टाग्राम पे अपन लाइव कब आ सकते हैं, आप लोगों ने कमेंट करके बताना भी। अभी दो तीन दिन के अंदर मैं लाइव आने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो आप लोगों ने टाइमिंग बता सकते हो वही मुझे कमेंट करके, अभी कौन से टाइम पर मैंने लाइव आना चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो आप लोगों से कुछ बातें भी कर लिए भी, ठीक है ना, आप लोग कुछ मुझे सवाल भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों ने वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आने वाला हूँ भाई, लाइव स्ट्रीम करने वाले हूँ वहाँ पे, मतलब लाइव आने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि भाई यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है ना, तो वहाँ पे लाइव आने वाले अपन, ठीक है। तो चलो जाओ वहाँ पे फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे वाली है इंस्टाग्राम अकाउंट, और ये शॉट देख लो आप लोग सबसे पहले। तो
क्या करो गाइस यार, जब शॉट लेते समय हाथ हिल गया तो मेरा, और यहाँ पे आप लोगों ने देखना फनी गेम प्ले होने वाला है। और भी यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने 3 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले यार, तो सब्सक्राइब करो। बहुत से लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करके रखा है भाई, यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, मतलब 35 लोगों ने सब्सक्राइब किया परसेंट लोगों ने, और 65% लोगों ने यार फॉलो नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया भाई अपने चैनल को, तो सब्सक्राइब करो भाई। और यहाँ पे अपने ओपनिंग का शॉट देखो भाई, कितना खतरनाक मारा इसने। ये क्या है, ये तो टट्टी है। पहली बात तो यार मुझे समझ में आ रहा था ये शॉट इस तरह का क्यों मार रहा था, क्योंकि सामने उसके पास एक कॉइन पड़ी हुई थी पहले से। पर भाई क्या करते हैं भाई, इनडायरेक्ट खेलने की ट्राई करते हैं, मतलब ट्रिपल कनेक्शन शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, मतलब प्रो बंदा दिख रहा था भाई वो, मतलब क्या ही बोल रहा है इनको। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं किशोर मार के भी अपनी जो कॉइन रहती है वो निकाल लेता हूँ, और भी कनेक्शन में बाहर लेता हूँ टॉप फ्राइड में। और यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट वाली जो कॉइन है भी उसको पोर्ट करके निकलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे, और भाई उसको फिनिश करते हैं भी। और चलो चलो आ चुके अपन एक और न्यू गेम प्ले पे। तो यहाँ पे देखो किस तरह से मैं इनडायरेक्ट ब्रेक लगाने की ट्राई करता हूँ, तो देखते भाई खाली कॉइन पोर्ट होते कि नहीं अपने रसीब में है कि नहीं। तो नहीं होती है कॉइन पोर्ट, पर यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है भाई, अपने ओपोनेंट की कॉइन एक ही निकलती है, और उसी के कारण अपनी टर्न भी मिल जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मुझे लगता है भाई एक भी कॉइन इसकी पोर्ट नहीं होने वाली है, और भी ये ट्राई करेंगे पोर्ट करने की फिर भी। तो चलो देखते हैं भी कौन सी कॉइन किधर पोर्ट करने की ट्राई करेंगे। थोड़ो इनडायरेक्ट खेल रहा है भी, फोल्डिंग ट्राई कर रहा है, पर यहाँ पे एक भी कॉइन पोर्ट तो नहीं होती है, यहाँ पे चांस मिल जाता अपने को। तो सबसे पहले मैं टॉप फ्लेप में कट मार लेता हूँ कुछ कॉइन निकालने के लिए, और बहुत सारे कॉइन निकल भी जाते हैं भाई। और टॉप फ्लेप में इसको एक हर शॉट मारता हूँ, कुछ और कॉइन निकालने की ट्राई करता हूँ, और भी निकाल भी लेता हूँ अच्छे से। और सबसे पहले किशोर मारता हूँ यहाँ पे रेडली क्वीन का टॉप राइट में, और कट मारूंगा टॉप फ्लिप में जो कॉइन दिख रही है उसकी मदद से निकालने की ट्राई करेंगे सबसे पहले कॉइन अपने। तो चलो सबसे पहले तो जो सीधी कॉइन है भी उसको थोड़ा जोर से मारूंगा, जो ऊपर की कॉइन है भी थोड़ा सा रिलीज हो जाएगी शायद। तो चलो जोर से मारता हूँ जो ऊपर की कॉइन है भी, उसको थोड़ी सी हाँ श्योर कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से श्योर हो चुकी है अपनी कॉइन। तो चलो मैं कट मार लेता हूँ टॉप फ्लिप में, और इसकी मदद से एक और कॉइन अपनी जो रिलीज़ कर लेता हूँ। पर यहाँ पे एक गलती हो जाती है, मतलब एक कॉइन फंस जाती है टॉप हैंड में अपने ओपनेंट के बीच में। चलो यहाँ पे एक और कॉइन आ चुकी है, वहाँ पे फंस चुकी है भी, तो कोई नहीं निकाल सकते अपन आसानी से, जो लास्ट वाली कॉइन है भी उसको इजीली से इजीली निकाल सकते हैं अपन। तो चलो मैं क्या करता हूँ, रिबाउंड शॉट मारता हूँ। सबसे पहले तो मैं कट मारने की ट्राई कर रहा था इसको टॉप फ्राइड में, तो मैंने बोला यहाँ पे काई को रिक्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिबाउंड शॉट मारता हूँ भी टॉप लेफ्ट में, और जो ऊपर की जो कॉइन रहती है वो भी निकाल लेता हूँ। थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, फिर भी बैलेंस के साथ इजीली पोर्ट कर सकते हैं अपन इसको टॉप लेफ्ट में। तो चलो सबसे पहले इसको टॉप लेफ्ट में पोर्ट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे इजीली आराम से पोर्ट कर ले, तो इसको पोर्ट करने के बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो आसानी से ये गेम प्ले इजीली विन कर लेते हैं अपन, आ चुके नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, दो कॉइन अपने इजीली निकाल लेता हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाते हैं। पर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं किशोर मार लेता हूँ, क्योंकि इस वाली कॉइन का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑलरेडी अपने पास दो कॉइन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे किशोर तो मार लेता हूँ, पर इसकी मदद से कुछ कॉइन तो अपने रिलीज नहीं होते हैं। पर यहाँ पे देखो अपनी जो दो कॉइन है इसको सबसे पहले, चलो टॉप फ्लेप में इसको मारता हूँ मैं, और हॉर निकालने की ट्राई करता हूँ कॉइन। तो यहाँ पे इतना खास तो अपना बोर्ड श्योर नहीं होता, मतलब ओपन नहीं होता है, तो मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार दूँ, और इसकी वजह से ओपन करने की ट्राई करता हूँ। और ओपन तो भी बहुत सही होता है, मतलब पूरा बोर्ड ही शिवर हो चुका है, और इजीली अपन इसको फिनिश कर सकते हैं गेम प्ले को। तो चलो मैं सबसे पहले तो इस वाली कॉइन को थोड़ा सा डायरेक्ट पोर्ट करता हूँ, जो कॉइन फंसी हुई थी ऊपर में उसको भी निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे एक किशोर मारूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले तो मैं इसको पोर्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद अपन किशोर मारेंगे टॉप लेफ्ट में, और जो ब्लैक कॉइन रहती है अपने ओपनेंट के बीच में उसको हटा लेता हूँ सबसे पहले ये वाली कॉइन को। तो चलो मैं आराम से इसको मार लेता हूँ, और रेड वाली कॉइन टॉप राइट में मार के जो लास्ट वाली जो कॉइन है उसको भी टॉप लेफ्ट में मार लेते हैं, जैसे कि अपने रास्ता रिलीज किया था अपने ओपनेंट की कॉइन को हटा के किशोर मारा था। तो इसी के लिए मैंने उसको किशोर मारा था, और इसको भी गेम प्ले इजीली विन कर लेते अपन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और लाइव स्ट्रीम कब करना है इंस्टाग्राम पर तो कमेंट करके आप लोग बता देना टाइमिंग। तो चलो मिलता है एक हर वीडियो के साथ कल, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, बाय।